फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है। फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी एक प्रेस रीता भादुड़ी अब हमारे बीच नहीं रही। निमकी मुखिया में अपने दादी के रोल से घर घर में फेमस रीता भादुड़ी का निधन आज 17 जुलाई की सुबह हो गया। वह 62 साल की थी। इस बात की जानकारी शिशिर शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, हमें यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि रीता भादुड़ी अब हमारे बीच नहीं रही। उनका अंतिम संस्कार 17 जुलाई की दोपहर 12 बजे अंधेरी ईस्ट क्रिमेशन ग्राउंड पारसी वाड़ा रोड मुंबई में किया जाएगा। हम सब के लिए वह माँ की तरह थी, हम आपको मिस करेंगे माँ। वह पिछले 10 दिनों से मुंबई के सुजय अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी। बता दें कि रीता की किडनी वीक थी, जिसकी वजह से डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। पिछले कई दिनों से वो डायलिसिस कराकर शूटिंग कर रही थी। रीता हालिया शो निमकी मुखिया के अलावा अमानत, कुमकुम, छोटी बहू, हसरतने जैसे कई शोज में अहम भूमिका में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने टीवी सीरियलों के अलावा जूली, अनुरोध, फूलन देवी, घर हो तो ऐसा, बेटा, लव, रंग, दलाल, तमन्ना और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है।